गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पाइथन के कुछ प्रोग्राम्स हम करेंगे। ये हमने क्लास 11th में भी किए थे, तो थोड़ा रिवीजन हो जाएगा आपका। देखिए, हम पांच प्रोग्राम मैंने सेलेक्ट किए हैं, तो पांच प्रोग्राम करेंगे। एक एलसीएम का है, एक फैक्टोरियल का है, प्राइम और नॉट, डिजिटल डिजिट सम और पैटर्न्स। ये सारे प्रोग्राम हम इस बार करेंगे। तो सबसे पहले आपका एलसीएम है। एलसीएम आपका लोएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जिसे हम कहते हैं। अब देखिए, अगर हम मान लो आप 12 और 9 इन दोनों का आप एलसीएम लेते हो, तो इनका जो एलसीएम है 36 के आसपास आता है। और अगर आप मतलब कि जब एलसीएम लेने के बाद अगर आप एक चीज़ चेक करना चाहते हो, देखिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि 12 और 9 से कम नहीं होना चाहिए आपका जो और 100 ए से ज़्यादा नहीं होगा, कि मतलब जो आपका एलसीएम ये 36 जो रिज़ल्ट निकला है ये 12 और 9 से नीचे नहीं आएगा और 108 से ऊपर का लोएस्ट नहीं बनता है। तो आप अगर 12 मल्टीप्लाई बाय 9 करते हैं तो ये 108 होता है, तो 100 ए से ऊपर नहीं जाएगा। और इन चीज़ों को चलाने के लिए हमारे पास लूपिंग का यूज़ करेंगे हम। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ऐसी वैल्यू जिनका रिमाइंडर ज़ीरो हो उनको ही हम काउंट करेंगे, और लूपिंग में ये देखेंगे कि कौन सी वैल्यू है जो कि रिमाइंडर ज़ीरो दिखा रही है। तो जैसे कि अभी हम देखिए, आप हम देखिए वैल्यू है आपका 12 से लेकर 108 तक का हम लेके चल रहे हैं। तो आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, और एक और तरीका भी है वो भी कर सकते हो, हम 9 से भी कर सकते हैं, 9 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे पास 12, 13, 14 मतलब हमने 12 से लेकर 108 का एक लूप बनाना है, और हम ये उनको बताएंगे कि सब वैल्यू को वो डिवाइड करे, मॉड्यूल करेगा जिसका रिमाइंडर ज़ीरो आएगा। अब देखो, हमने 12 और 9 का अगर हम मॉड्यूल निकालते हैं तो 12 का तो ज़ीरो आता है लेकिन 9 का नहीं आता, इसलिए हमने यहाँ पर 9 नहीं लिया। तो ठीक है, लेकिन 9 हो ही नहीं सकता। तो 12 के बाद 13 का नहीं होता, 14 का नहीं होता, तो आप अगर करके देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो वो सीधा 36 आपकी एक वैल्यू है उसको वो पकड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा 13, 14, 15, 16, 17 एंड सो ऑन, रिमाइंडर नॉट ज़ीरो, इनका ज़ीरो रिमाइंडर नहीं आता है। और अगर आप 36 का करोगे तो 36 का रिमाइंडर ज़ीरो आता है। 36 ऐसी वैल्यू है जो 12 से और 9 से दोनों से कट जाती हैं। अब देख, 12 से कटती है, 12 थ्रीज़ा 36 और 9 फोरज़ा 36 कटता है ना। तो यानी कि 36 एक ऐसी ऐसी वैल्यू है जो 12 और 9 दोनों से कट जाती हैं। तो देन वी शुड ब्रेक द, और जब आपके पास वैल्यू आ जाएगी तो हम इसको ब्रेक कंडीशन का यूज़ करेंगे टर्मिनेट बाहर निकलने के लिए। तो आप किस तरीके का प्रोग्राम बना रखा है देखिए। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया है, एक ए इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट करवाया हमने फर्स्ट नंबर, फिर उसके बाद हमने बी को इनपुट करवाया और बी को भी हमने सेकेंड नंबर दे दिया है। उसके बाद हमने एक फॉर लूप लगाया जिसमें हमने एक्स वेरिएबल लिया फॉर लूप के लिए, इन रेंज ए कॉमा ए मल्टीप्लाई बाय बी ब्रैकेट्स के अंदर है और प्लस वन। अब देखो, ए आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और ये एंडिंग पॉइंट है आपका ए मल्टीप्लाई बाय बी। जो इन दोनों का जो भी मल्टीप्लीकेशन होगा वो उसका एंडिंग पॉइंट हो जाएगा, और वन का इंक्रीमेंट हो रहा है, इसका मतलब ये कंडीशन हमारी ट्रू है बिल्कुल। तो मान लो अगर हमने ले लिया, हमने आगे हमने कर रखा है, वेट कीजिए, हमने उसके बाद एक कंडीशन अप्लाई करनी है, इफ़ कंडीशन। इफ़ कंडीशन क्या कहती है कि अगर आपका जो एक्स है वो मॉड्यूल ए हो रहा है और रिमाइंडर ज़ीरो बचा रहा है, एंड एक्स जो है बी भी हमारा जो है रिमाइंडर ज़ीरो बचा रहा है, तो वो आपका क्या होगा, एलसीएम इज एक्स होगा और कंडीशन ब्रेक हो जाएगी और आप प्रोग्राम का रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो देखो किस तरीके से एग्जीक्यूट किया आपका, देखिए देखो हमने क्या किया है, यहाँ पर ए 9 लिया और बी 12 लिया, ठीक है, ए 9 और बी 12 लिया है। तो हमारा जो फोर कंडीशन के अंदर क्या बनता है, ए लिखा था ना हमने ए मल्टीप्लाई बाय बी, तो देखो ए आपका 9 हो गया, ठीक है, बी आपका ए मल्टीप्लाई बाय बी, ये आपका कंडीशन हो गया कि कब तक चलनी चाहिए, तो कब तक चलनी चाहिए, 108 तक चलनी चाहिए आप मल्टीप्लाई का, और 1 का इंक्रीमेंट यहाँ पर दे रखा है हमने। तो x आपका क्या है, 9 से स्टार्ट किया उसने, ठीक है, 9 से स्टार्ट करते करते देखो 9 जो है उसका रिमाइंडर 9 अपने आप में कटता है, ठीक है ना, उसका रिमाइंडर 0 आता है क्योंकि आप जब उसको यहाँ पर लिखा हुआ है ना हमने यहाँ पर, आ,
यहाँ पर हमने देखा वो ये वैल्यू ए, ए की वैल्यू हमने 9 दे रखी है, ठीक है। तो 9 मॉड्यूल ए, तो 9 मॉड्यूल ए का मतलब है ए की वैल्यू इस वक्त आपकी ए जो है वो 9 है, ठीक है। और एक्स की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ए से, तो ए की 9 है, तो 9 मॉड्यूल 9 जो है वो 0 के बराबर होता है। ये देखिए यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है आपको। एक्स क्या है, एक्स की पोजीशन तो वही होगी ना जो ए की है, तो वो एक्स हमने डिफाइन किया हुआ है, तो एक्स की पोजीशन ए है, तो ए क्या है, 9, ठीक है ना। तो यहाँ पर 9 आ गया, तो 9 मॉड्यूल 9 इज इक्वल टू 0, ये होता है, डेफिनेटली इट्स ट्रू। अब हमको ये भी देखना है कि ना जो बी वाली वैल्यू है वो भी तो आपकी होनी चाहिए 0। तो जब तक वो वैल्यू उसको नहीं मिलती, जैसे कि 11, 12, 13, 14, 15 सबका वो डिवाइड करके देखेगा, वो उसको वैल्यू नहीं मिलेगी। लेकिन 36 को जैसे ही वो करेगा, वो आपका रिमाइंडर जो है वो 0 बताएगा और आपका जो कंडीशन ब्रेक हो जाएगा और प्रिंट आउट में आपका आ जाएगा 36, ठीक है। तो इस तरीके से कोई आपका आउटपुट निकलेगा, आप इस प्रोग्राम को बनाकर भी देखेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ योर फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। फैक्टोरियल क्या होता है, देखो आपने कोई इनपुट करवाया, जैसे हमने इनपुट 5 करवाया है, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 120। मतलब हम कोई भी वैल्यू एंटर करवाएं, वो तब तक मल्टीप्लाई होता रहे जब तक 1 ना आए, मतलब कि लास्ट तक उसको मल्टीप्लाई करते रहना है, और सबको मल्टीप्लाई करेगा तो उसका जो भी रिमाइंडर बचेगा वो आपका आंसर होगा। तो देखिए हमने क्या किया, ए इनपुट करवाया हमने, उसके बाद एक वेरिएबल लिया हमने एफ, एक एफ इसलिए लिया है ताकि हम एक वेरिएबल जो वैल्यू स्टोर करे वो एफ के अंदर स्टोर करता रहे। फिर हमने एक्स फॉर लूप लिया, फॉर लूप में हमने एक्स लिया और रेंज 1, a+1। तो हम चाहते हैं कि जो लूप चले वो 1 से स्टार्ट हो और a कितना है हमारा 5, तो 5 तक चले और 1 का इंक्रीमेंट करे, तो डेफिनेटली इट्स ट्रू। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, लास्ट में तो हमने प्रिंट दे रखा है, लेकिन ये जो फॉर्मूला हमने लगा रखा है बीच में, ये क्या कर रहा है, देखो फर्स्ट टाइम जब f था, f मल्टीप्लाई बाय x, तो x की वैल्यू क्या है 1 और f की वैल्यू क्या है 1, तो आंसर क्या हो गया आपका 1। फिर अगली बार फॉर 1 के बाद इंक्रीमेंट करेगा 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2। फिर अगेन वो मल्टीप्लाई करेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6, 6 मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू 4 24, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 120। तो मतलब इस तरीके से वो हर बार मल्टीप्लाई करता रहेगा और f के अंदर उस वैल्यू को स्टोर करता रहेगा और लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा 120, ठीक है। तो ये आपका हुआ फैक्टोरियल नंबर। नाउ कम टू द प्राइम नंबर, प्राइम और नॉट। प्राइम नंबर देखिए क्या होता है, प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच डिवाइड बाय ओनली टू वैल्यू, एक फर्स्ट, एक 1 वैल्यू होती है और दूसरी सेम वही वैल्यू होती है, जैसे कि आपका 7। 7 एक ऐसी वैल्यू है, अगर उसको हम 1 से करें और 7 से करें तो ही आपको आंसर आता है। इसके अलावा अगर हम 9 को लेते हैं, यहाँ पर देखिए मैंने एग्जाम्पल भी दे रखी है आपको, अगर हम 7 लेते हैं तो 7 1 से डिवाइड होता है और 7 से डिवाइड होता है, यानी कि 2 टाइम, मतलब कोई वैल्यू अगर 2 टाइम डिवाइड हो रही है तो वो आपकी प्राइम नंबर में आती है। और अगर हमने 9 ले रखा है तो देखो 9 जो है 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा और 9 से डिवाइड होगा, तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो हमने इसके लिए एक प्रोग्राम बनाया है, प्रोग्राम आपका ये देखिए इस तरफ मैंने कर रखा है। तो सबसे पहले हमने देखो क्या किया है, हमने किया है कि a इज इक्वल टू, एक a वेरिएबल लिया जिसके अंदर हमने एक वैल्यू को स्टोर करवा दिया, उसके बाद हमने c लिया, c इज इक्वल टू 0। अब 0 क्यों लिया है वो आपको आगे पता लग जाएगा। फिर फॉर कंडीशन अप्लाई की हमने x इन i 1, a+1, तो हमने क्या किया है, x की वैल्यू ली है 1 और वो a तक चले, a की वैल्यू पता ही है आपको, मैं जो हम कॉल करवाएंगे, हम चाहे उसको 7 कॉल करवाएं चाहे 9 कॉल करवाएं, तो वो जो भी होगा वो यहाँ पर और 1 का इंक्रीमेंट होगा। फिर हमने कंडीशन अप्लाई करी कि a मॉड्यूल x इज इक्वल टू 0, कि अगर a की वैल्यू x के साथ मॉड्यूल होने पर 0 ऑपरेट होती है तो वो c इज इक्वल टू c+1 करे, ओके। इफ c इज इक्वल टू 2, अगर c की वैल्यू जो 2 होती है तो वो प्राइम नंबर है, और अगर सी की वैल्यू 2 से ज़्यादा हो जाती है तो वो प्राइम नंबर नहीं है। तो ये लॉजिक आपको यहाँ पर क्लियर हुआ, सिंपल है। यहाँ पर देखिए आपके पास ये जो फॉर्मूला अप्लाई किया है आपने, तो देखो ए कितना है, मान लो हमने ए 7 ले रखा है, ठीक है, तो ए कितना है आपके पास 7 मॉड्यूल 7। अब देखो एक्स क्या है हमारे पास, 1 से स्टार्ट होगा, तो 7 मॉड्यूल 1 इज इक्वल टू, रिमाइंडर कट जाता है 7, 1 7, तो आंसर 0। फिर फॉर लूप हमारा 2 है,
टू नहीं कटता, फिर थ्री है थ्री भी नहीं कटता, फिर फोर होगा, फिर फाइव होगा, सिक्स होगा, सिक्स भी नहीं कटता, फिर लास्ट में सेवन आएगा, सेवन मॉड्यूल सेवन इज इक्वल टू ज़ीरो, तो कंडीशन ट्रू, यानी कि दो बार इंक्रीमेंट हुआ, तो दो बार इंक्रीमेंट करने पर ये ट्रिगर होगा और ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आपका प्राइम और प्राइम नॉट क्लियर हो गया आपको। नाउ नेक्स्ट इज योर सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट का मतलब होता है कि आपने कोई वैल्यू इनपुट करवाई है, ठीक है, आपने कहा कि फोर टू फाइव वैल्यू इनपुट कराई, इसका आंसर सेवन इलेवन आता है। कैसे आता है? फोर प्लस टू प्लस फाइव इज इक्वल टू इलेवन, ऐसा इसका रिजल्ट। ये सबका हो सकता है, आप 78 दो तो इसका आंसर आना चाहिए आपका 15, अगर आप और ज़्यादा वैल्यू देते हो, वन टू थ्री फोर दे देते हो तो आपका आंसर आना चाहिए 4, 3, 7, 8, 9 और 10, इसका आंसर 10 आना चाहिए। तो अगर इस तरीके का आप सम ऑफ डिजिट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, तो हम उसकी कंडीशन देखते हैं। और सबसे पहले है इसमें देखो, आप मॉड्यूल का यूज़ करोगे, आपको मालूम है मॉड्यूल का यूज़ क्या है, ये हमेशा रिमाइंडर छोड़ता है। और एक फ्लोर डिवीज़न का करोगे, फ्लोर डिवीज़न में आपका जो क्वाटेंट होता है उसको काउंट किया जाता है। तो देखिए कैसे होता है वर्कआउट, ये देखिए इसका एग्जांपल दे रखा है, आपने 4 टू 5 एंटर करवाया, आपने उसको मॉड्यूल किया 10 से, तो रिमाइंडर 5 बचा, ठीक है। फिर आपने 4 टू 5 डिवाइड फ्लोर डिवाइड किया, तो मतलब जब आप ये आपका क्वाटेंट बचा, क्वाटेंट 42, फिर आपने 42 को जब डिवाइड किया 10 से तो 2 बच गया, फिर आपने उसको 42 को फ्लोर डिवीज़न किया तो 4 बचा, फिर आपने 4 मॉड्यूल 10 किया तो 4, और 4 मॉड्यूल 10 जो है 0, वो तो 0 आता ही है। तो आप देखिए 5 मॉड्यूल, ये जो अब वो कंडीशन किस किस को प्लस करेगा, एक इसको प्लस करेगा, एक इसको प्लस करेगा इसको, तो आंसर क्या आया आपका 11। तो ये कंडीशन कैसे हुई, कैसे इसको हैपनिंग में लाया है, तो इसके लिए प्रोग्राम है। आप देखिए प्रोग्राम किस तरीके से बना है, ये देखिए एक आपका प्रोग्राम है, छोटा सा प्रोग्राम है, सिंपल प्रोग्राम है। ए इज़ इक्वल टू इनपुट, कोई भी नंबर इनपुट करवा लिया हमने, एस इज़ इक्वल टू 0 ले रखा है। एस जो है एक टेम्प्रेरी वेरिएबल है जो आपके कहीं आगे किसी वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करवा रहा है। फिर हमने एक वाइल कंडीशन अप्लाई की कि ए नॉट इक्वल टू 0, कि जब तक ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब कि कंडीशन आपको पता है नॉट का, आपको मालूम ही है कि जब तक कंडीशन ट्रू होती है वो फॉल्स के लिए काउंट करती है, और अगर फॉल्स होती तो ट्रू के लिए काउंट करती है। तो इस वक्त ए हमारा, अगर मान लो हमने कोई भी लिया है वेरिएबल, या हमने 4, 2, 5 जो यही ले रखा है, तो अगर हमने 4, 2, 5 ले रखा है, तो कंडीशन यहाँ पर हमने 4, 2, 5 ले रखा है नॉट इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0 नहीं है, यानी कि यस कंडीशन चलेगी, मतलब देखो इक्वल टू नहीं है ये, ठीक है ना, और नॉट भी लगा हुआ है, तो इक्वल टू नहीं है, नॉट है, नॉट भी लगा हुआ है, तो इक्वल टू नहीं है, पहली कंडीशन फॉल्स हुई और दूसरी नॉट बिल्कुल है, तो ये कंडीशन ट्रू होती है हमारी। तो ट्रू होने पर ये क्या होगा, ए की वैल्यू को वो मॉड्यूल करेगा 10 के साथ, और जो भी वैल्यू बचेगी उसको वो आर के अंदर स्टोर कर देगा। तो आपको मैंने ऊपर बताया था कि 4 to 5 को अगर हम मॉड्यूल करेंगे तो इसका इसका जो रिमाइंडर बचेगा वो 5 बचेगा, यानी कि अब R के अंदर S के अंदर क्या स्टोर हो रहा है, 0 plus 5, पहले 0 वैल्यू थी इसकी, तो 0 plus 5 is equal to 5, फर्स्ट टाइम इसकी वैल्यू 5 आ गई। फिर उसके बाद इसने क्या किया, A इज इक्वल टू A फ्लोर 10, अब उसकी वैल्यूज अगेन वही कि 4 टू 5 को अगर वो फ्लोर कर रहा है तो वो हमेशा क्वाटेंट को लेके चलेगा, तो 42 बच जाएगा, ये 42 वैल्यू जो है वो ऊपर चली जाएगी अगेन, और 42 वैल्यू जो ऊपर चली जाएगी वो देखेगा हाँ कंडीशन फिर वही सेम ठीक है, वो आर के पास आएगा, आर क्या करेगा 42 मॉड्यूल 10 करेगा, अगेन इसके पास क्या बचा 2 बचा यहाँ पर 2, फिर अगले 5 plus 2 is equal to 7, कंडीशन एस के अंदर 7 स्टोर हो गया, फिर 42 को उसने फ्लोरिंग किया तो बचा आपका 4 अगेन ऊपर जाएगा, तो 4 नॉट इक्वल टू 0, अगेन कंडीशन आपकी होती है ट्रू, ये इक्वल टू है नहीं है, तो अगेन वो चलेगा लूप पकड़ेगा, आगे फ्लो वही करेगा और 4 आपका नीचे करेगा, तो आपका वहाँ पर आंसर क्या था, 5 plus 2 is equal to 7 plus 4 is equal to 11, आपका जो सम है लास्ट में यहाँ पर 11 आ जाएगा, और जब 0 वैल्यू आएगी तो 0 वैल्यू ऊपर जाएगी, तो 0 is equal to 0, कंडीशन वहाँ पर कंडीशन तो ट्रू है लेकिन नॉट लगा तो वो फॉल्स हो जाएगी, बस हैपनिंग, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपका चल जाएगा, ठीक है।
नाउ कम टू द नेक्स्ट फिफ्थ आपका प्रोग्राम आता है पैटर्न्स। पैटर्न्स क्या होते हैं? पैटर्न्स आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताए थे, कुछ ऐसे डिज़ाइन हैं, जैसे यहाँ देखिए अगर आप इस तरीके का प्रिंट आउट चाहते हैं, स्टार 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 स्टार, फाइव स्टार्स हैं ऊपर से लेके नीचे तक, तो आपको किस तरीके से चाहिए? बहुत सारे और भी पैटर्न्स हैं जो चलते हैं, तो किस तरीके से चाहिए देखिए हम करते हैं प्रोग्राम। हमने क्या किया है, देखिए यहाँ पर ए एक वेरिएबल लिया हमने, उसको कॉल करवाया। आप ए जो है वो फाइव कॉल करवा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब आपने ए फाइव कॉल करवाया, अगर आप ये सिर्फ यहाँ पर अकेला ए लिखते हो, तो ए का मतलब होता है कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया है ना। हमने इससे पहले भी पढ़ चुके हैं हम कि अगर कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिलता है ए को, तो वो ज़ीरो से स्टार्ट करता है, तो ज़ीरो वन टू थ्री फोर ये इस तरीके से चलेगा। और अगर आप चाहो तो उसको स्टार्टिंग पॉइंट दे सकते हो। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, ये देखो हमने क्या कि फॉर एक्स इन रेंज वन ए प्लस वन, तो ए इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया एक्स का, और कब तक चले, फाइव तक चले, तो प्लस वन इंक्रीमेंट करता रहे, तो वन टू थ्री फोर फाइव तक चलता रहेगा। फिर हमने वाई कंडीशन फोर कंडीशन के अंदर एक फोर कंडीशन और अप्लाई की, इससे हम कहते हैं नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड फॉर लूप में क्या हो रहा है, हमने क्या किया है वन कॉमा ओके सो यहाँ पर देखिए ये नेस्टेड फॉर लूप है, तो उसने क्या किया फोर वाई इन रेंज आई कॉमा ए प्लस वन, तो कंडीशन ठीक है आपका ए स्टार्ट हुआ, ए फाइव है और प्लस वन है, इंक्रीमेंट होता रहेगा। फिर हमने क्या किया है यहाँ पर प्रिंट एक्स दिया है। आप चाहो तो दोनों कंडीशंस यूज़ कर सकते हो, लेकिन दोनों में फ़र्क है, ये कंडीशन लाइन ब्रेक नहीं करती है और ये कंडीशन आपकी लाइन ब्रेक करती है। तो आपने जब इस प्रोग्राम को इस तरीके से लिखा, इसको आप बेशक ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है, एक बार ट्राई करके देख सकते हो आप, नहीं तो आप सीधा फॉर लूप के बाद इसको लिख सकते हो। तो प्रिंट ब्रैक डबल क्वार्ट्स के अंदर स्टार ले लिया और एंड इज इक्वल टू डबल क्वार्ट्स और बन, ये आपकी लाइन ब्रेक करेगी। और लास्ट में आपका प्रिंट हमने इसको ब्लैंक छोड़ दिया है, ठीक है। तो अब ये लूप क्या कर रहा है देखो, फर्स्ट जी तो आपकी ये कंडीशन क्या करेगी, देखो यहाँ पर हमने दे रखा है स्टार, तो देखो आपका जो एक्स जो है, यहाँ पर मैं एग्जांपल में आपको क्लियर करवाता हूँ, अगर आपका जो एक्स है वो वन है, देखो आपका स्टार्टिंग हमने वन दे रखा है ना, यहाँ पर एक्स वन दे रखा है, तो जब एक्स वन है तो वाई भी वन होगा, तो वो स्टार प्रिंट करेगा। लेकिन वाई क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि वन से लेकर ए तक चलेगा और प्लस का इंक्रीमेंट, इसका मतलब वो वाई जो है वन टू थ्री फोर फाइव टाइम एग्जीक्यूट करेगा और फाइव टाइम आपका प्रिंट भी होगा, ओके। और इसी तरीके से जब दोबारा एक्स जो है टू होगा, तो फिर अगेन वाई फाइव टाइम चलेगा, थ्री होगा अगेन फाइव टाइम चलेगा, फोर होगा अगेन फाइव टाइम चलेगा, फाइव होगा तो अगेन फाइव टाइम चलेगा, तो इस तरीके से आपको एक आउटपुट मिल जाएगी। तो ये आपका एक फॉर लूप है जो पैटर्न को इस तरीके से डिज़ाइन कर रहा है, ये आपका नेस्टेड फॉर लूप है, तो किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है ये आपको पता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं आपको जो पैटर्न है आप कुछ और अलग तरीके से डिस्प्ले करवाना चाहते हो, वन 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 वन, तो अगर आप वन 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 प्रिंट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर ये जो आपकी लाइन है, ये दिस वन लाइन, ये जो लाइन है ना आपकी दिस वन, तो अगर आप 1, 2, 3, 4, 5 प्रिंट कराना चाहते हो, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5 जो है वो कहाँ पर स्टोर हो रहा है, वाई के अंदर, तो आप यहाँ पर वाई को स्टोर कर सकते हो। हाँ, लेकिन वाई को अगर स्टोर कर रहे हो तो डबल क्वार्ट्स के अंदर नहीं लिखोगे, वो गलत हो जाएगा, अकेला वाई ही लिखना है आपको, ठीक है, यहाँ पर वाई आएगा। और इसी तरीके से अगर आप 1, 1, 1 प्रिंट करोगे, तो आपको यहाँ पर एक्स प्रिंट करना है, ठीक है, जैसे यहाँ मैंने लिखा हुआ है, ये चीज़ें आपकी ये दोनों यहाँ पर प्रिंट आउट होंगी, वाई बस डबल क्वार्ट्स नहीं लिखोगे आप, डबल क्वार्ट्स में वो एज इट इज़ प्रिंट करेगा, तो नहीं तो फिर आपका वाई 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 और ये एक्सेस आएगा। लेकिन अगर आपको इस तरीके से अगर चाहिए, तो आपको ये कंडीशन अप्लाई करनी है, ये तो इस तरीके से आपको अलग आउटपुट मिलेगी, ठीक है, सिंपल है। आप एक बार एक प्रोग्राम बनाओगे, बस आपको वैल्यू ही तो चेंज करनी है, यहाँ पर सिंपल सा एक चेंज करोगे तो आपको आउटपुट भी चेंज होकर ही मिलेगी, ठीक है। होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ये सारे प्रोग्राम आपको बनाने हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट इज योर, अगर आपको इस तरीके का कोई पैटर्न मिलता है, एक्स वन एक्स है, फिर टू एक्स है, फिर थ्री एक्स है, फिर फोर एक्स है, फिर फाइव एक्स है, यानी कि स्टार्स हैं, एक्स हैं, स्टार्स हैं, जो भी आप वहाँ पर डिक्लेयर करोगे वो प्रिंट आउट होगा। तो सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पर ए इज इक्वल टू इंटीजर दिया, वही सेम प्रोग्राम, आपने इंटीजर दिया, इनपुट को कॉल करवा लिया, आपने यहाँ पर ले लिया फाइव, ठीक है। उसके बाद हमने फॉर लूप लगाया, उसको रेंज दे दिया कि वन से लेकर ए तक चले, ये पिछला प्रोग्राम सेम है। फिर हमने यहाँ पर फॉर लूप जो उसका नेस्टेड फॉर लूप है, वहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने एक्स को कॉल करवा लिया। पीछे आपको याद होगा आपने क्या कॉल करवाया था,
ए, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, एक्स को कॉल करवा लिया है, तो अब एक्स कितना होगा, ठीक है, अब ये भी देखना ज़रूरी है। तो उसके बाद आपका एक्स को हमने प्रिंट करवा लिया है, ठीक है। अब देखो सिंपल आपका लॉजिक यहाँ पर ये देखिए, जब एक्स वन है, ठीक है, तो वो वन तक चलेगा, जब टू, जब एक्स आपका टू हुआ तो आपका यहाँ पर एक्स कितना है टू, तो वो टू तक चलेगा, सिंपल लॉजिक है ना। पहले वहाँ पर ए था तो ए का मतलब था फाइव टाइम तक चलेगा, लेकिन अब एक्स कितना है, एक्स को ऊपर से कॉल हो रहा है ना, फॉर लूप यहाँ पर वन है, फिर यहाँ पर वन हो गया, यहाँ पर टू हुआ, यहाँ पर टू हो गया, यहाँ पर थ्री होगा, यहाँ पर थ्री हो जाएगा, तो वो लूप कॉन्टिन्यूसली इसी तरीके से वर्कआउट करेगा, तो आपके पास एक ऐसा पैटर्न अपीयर करेगा, ठीक है ना। और इसी तरीके से यहाँ पर मैंने कुछ और पैटर्न्स भी डिज़ाइन कर रखे हैं, आप देखिए, अगर आपको वन वन टू, वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर फाइव, इस तरीके का पैटर्न चाहिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर वाई लिखना है, और अगर आपको इस तरीके का पैटर्न चाहिए तो आपको यहाँ पर एक्स लिखना है। तो यहाँ पर एक्स, जो देखो जब हमने एक्स लिखा था तो ऊपर वाला पैटर्न आया था, तो आप अगर इनको एक बार ट्राई करोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा तो किस तरीके से पैटर्न एग्जीक्यूट कर रहे हैं आपके लिए। एक बार ट्राई ज़रूर करोगे, मैंने आपको पहले बताया कि ये सारे प्रोग्राम्स आपको ट्राई करके देखने हैं, तो आपको होप ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और अब आपका एक और आता है प्रोग्राम, सिंपल प्रोग्राम है, यहाँ पर देखिए उन्होंने एक पैटर्न दे रखा है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, इस तरीके का अगर आपको पैटर्न चाहिए तो आपको क्या करना, देखो आपका जो सीक्वेंस है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, हाँ यहाँ पर सिर्फ एक चेंजेस ये हो रहा है कि इंक्रीमेंट हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना है, बाकी सारा प्रोग्राम आपका एज इट इज़ है। देखो हमने यहाँ पर ए लिखा है, उसको कॉल करवा दिया, हाँ बस यहाँ पर हमने क्या किया, पी इज इक्वल टू वन ले लिया, ये एक वेरिएबल है। हाँ एक चीज़ और नोट करना कि जो पी है वो ए के नीचे है, कोई आपका कॉलन साइन यहाँ पर है ना तो वो टैप करके नहीं आएगा, ठीक है, ये टैप करके नहीं है, ये पी आपका बैक साइड में ही है, ठीक है, ओके। उसके बाद हमने फॉर लूप लगाया, एक्स इन रेंज वो भी सेम लिखा हुआ है हमने यहाँ पर, फिर वाई हमने वो कॉल करवा दिया वो भी सेम है आपका, फिर हमने यहाँ पर पी को कॉल करवा लिया, पी आपका कितना है वन, यानी कि पहला आपका वन अपीयरिंग आ गया, फिर उसके बाद पी को हमने क्या कर दिया, इंक्रीमेंट हुआ यानी कि टू, तो वो लूप कॉन्टिन्यूसली तब तक चलता रहेगा, तो अगली बार टू हुआ फिर ऊपर चला फिर टू आएगा फिर थ्री फिर फोर फिर फाइव सिक्स, इसी तरीके से ये पैटर्न एग्जीक्यूट करता रहेगा, ट्रिल कब तक करता रहेगा, फाइव टाइम तक, क्योंकि आपने फाइव ए इज इक्वल टू फाइव दिया, तो फाइव ए जब तक ए का पहला फॉर लूप आपका ट्रिगर नहीं होता है, वो आपका ट्रिगर मतलब कि टर्मिनेट नहीं होता है, तब तक वो लूप चलता रहेगा, तो आपके पास इस तरीके का एक पैटर्न अपीयर करेगा। अब ऐसा ही एक पैटर्न आपके लिए मैंने बना रखा है 15, ये रिवर्स में है, रिवर्स में, तो ये आपका एक होमवर्क है, आप इसको एक बार ट्राई करके देखिए, होप आपका बन जाएगा। इक्वेशन ऐसी ही है, बस थोड़ा सा लॉजिक आप समझ गए होंगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए, आपका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या है कैसे है वही आपको देख के चलना है, बाकी प्रोग्राम में कोई चेंजेस नहीं है, सेम एज इट इज़ है। अगर कोई दिक्कत आती है प्रोग्रामिंग में तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैंने आपको पहले भी कहा है, कोई भी डाउट अनक्लियर नहीं छोड़ना है, सब क्लियर करना है डाउट आपको। और आज का वीडियो इतना ही है, ठीक है, बाकी का जो पोर्शन रह गया है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ये आपका होमवर्क है, इस प्रोग्राम को आप बना के मुझे सेंड करोगे, बाकी नोट्स मेकिंग ज़रूर करो, ठीक है, आपके आपके स्टडीज़ के काम आएगा, थैंक यू।